के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जिले के विकास के लिए पारित किया गया है 58,511 लाख का बजट। कहा, पानी की किल्लत को देखते हुए योगी सरकार कराएगी कृत्रिम बरसात। बेलघाट थाना क्षेत्र में हुई व्यापारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों के साथ हत्या में प्रयुक्त असलहा भी बरामद। एसपी क्राइम ने कहा, रंगदारी नहीं देने पर हुई थी व्यापारी की हत्या। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद और पिपराइज के पूर्व विधायक राजमती निषाद के पुत्र और समाजवादी पार्टी के नेता अमरेंद्र निषाद ने लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, राजनीतिक परिवार का होने के कारण लिया फैसला। प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक। वर्ष 2019-20 के लिए कुल 58,511 लाख रुपए की जिला योजना के बजट को किया अनुमोदित। राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी बगिया में आबकारी और पुलिस विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब किया नष्ट। जिला पंचायत सदस्यों ने किया जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार। लगाया उपेक्षा का आरोप। प्रभारी मंत्री ने कहा, विकास कार्यों में बाधा पहुंचा रहे बैठक के बहिष्कारी सदस्य। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में पर खर्च किए जाने वाले धनराशि के संबंध में हुई चर्चा। मछुआ जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रैली का किया आह्वान। पुरानी पेंशन बहाली सहित 6 सूत्री मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया मंडल स्तरीय एक दिवसीय धरना। भाजपा युवा मोर्चा ने किया नमो अगेन अभियान के तहत जनसंपर्क। इच्छुक नागरिकों के मोबाइल और वाहनों पर चिपकाए नमो अगेन के स्टिकर। और अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर रसोईया कार्यकर्ता कल्याण समिति ने दिया एक दिवसीय धरना।